गोपालगंज ट्रिपल मर्डर मामले में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे की गिरफ्तारी की मांग पर तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं। वहीं शुक्रवार सुबह से राबड़ी देवी के आवास के बाहर हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। दरअसल जब शुक्रवार सुबह तेजस्वी यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह एक कार में बैठकर गोपालगंज जाने के लिए निकले तो गेट से बाहर आते ही पुलिस अधिकारियों ने कार को घेर लिया। डीएसपी कार के सामने खड़े हो गए। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी तेजस्वी को यात्रा ना निकालने के लिए समझाने लगे। काफी देर तक तेजस्वी गोपालगंज जाने की जिद पर अड़े रहे। गोपालगंज जाने से रोके जाने पर तेजस्वी ने पूरे काफिले के साथ विधानसभा जाने की बात की। मौके पर तैनात प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने इसकी अनुमति नहीं दी। यहाँ से देख लीजिए, नहीं ये तो हाउस अरेस्ट हो गया ना। नहीं सो सकते, सामान्य परिस्थिति में नहीं है सर। वो कब तक रहेगा कॉन्टेस्ट? मतलब आप तो इसी बहाने हमको जिंदगी भर के लिए रोक दोगे फिर? बिल्कुल नहीं है सर। इसी कॉन्टेस्ट के बहाने जिंदगी भर के लिए आप रोक दोगे कार्यक्रम के अनुरूप? ये अच्छा आप ये बताइए, विपक्ष का या नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद है नेता विरोधी दल का, क्या दायित्व है सर? सर जो मेरे को मेरा फर्ज करने से अगर रोका जाता है तो कहाँ लिखा है? कहीं लिखा है किसी कानून में पन्ने में लिखा है कि नेता विरोधी दल अगर अपने दायित्वों का निर्वहन करें? सर सर के तो कार्यालय से सर कल वो कार्यक्रम प्राप्त हुआ, उसी के आपकी मजबूरी, आप लोगों की मजबूरी हम समझ सकते हैं, आप लोगों पर दबाव है, लेकिन सर कोई दबाव नहीं है सर, हम लोग विधि अनुकूल। आप जैसे बंधे हुए हैं, आप जैसे बंधे हुए हैं वैसे हम भी अपने जिम्मेदारी से बंधे हुए हैं सर। हम लोग विधि अनुकूल कार्य के लिए सर यहाँ पर प्रतिबद्ध है सर। हम लोग जो है पॉलिसी मेकर है सर। सर इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष से मिलने की अनुमति मांगी गई। चार लोगों और दो कार को आने देने की अनुमति मिली। इसके बाद तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह, तेज प्रताप यादव और आलोक मेहता उनसे मिलने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने गोपालगंज हत्याकांड पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। फिलहाल राबड़ी आवास के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और घर के बाहर विधायकों और पार्टी नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने गोपालगंज हत्याकांड में जेडीयू विधायक की गिरफ्तारी ना होने पर गोपालगंज जाने की बात कही थी। तेजस्वी ने पुलिस को दो दिन का अल्टीमेटम दिया था। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के चलते प्रशासन ने तेजस्वी को गोपालगंज जाने की इजाजत नहीं दी थी। न्यूज डेस्क।